दूसरी शादी से ठीक पहले सैफ ने अमृता सिंह को लिखी थी चिट्ठी, करीना ने दिया था ऐसा रिएक्शन। सैफ अली खान और करीना कपूर खान बॉलीवुड की फेमस जोड़ी में से एक हैं जिन्होंने 7 साल पहले आज ही के दिन शादी की थी। करीना का अफेयर भले ही शाहिद कपूर और कई एक्टर से रहा, लेकिन उन्होंने शादी खुद से 10 साल बड़े और 2 बच्चों के पिता सैफ से की। सैफ करीना ने पहले कोर्ट मैरिज की, फिर शानदार रिसेप्शन पार्टी रखी। शादी को देखकर लगा था कि इस कपल को अपना प्यार बड़ी आसानी से मिल गया होगा, लेकिन सब कुछ इसके विपरीत था। करीना और सैफ दोनों को अपना प्यार पाने के लिए कई इम्तिहान देने पड़े। शादी से पहले करीना और सैफ लिविन में रहे, फिर 5 साल के रिलेशनशिप के बाद शादी के बंधन में बंधे थे। करीना ने एक इंटरव्यू में खुद इस बात का खुलासा किया था कि सैफ से शादी करने के लिए उन्होंने घर से भागने का प्लान बना लिया था। दरअसल करीना सैफ अपनी प्राइवेसी को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, इसलिए उन्होंने अपनी फैमिली को धमकी तक दे दी थी कि अगर हमारी शादी मीडिया का सर्कस बनी तो हम घर से भाग जाएंगे, क्योंकि इसने लव अफेयर से जुड़ी छोटी छोटी खबर के बारे में हर कोई जानता था। दरअसल फिल्म ओमकारा के बाद सैफ करीना की नजदीकी यशराज बैनर की फिल्म तशन की शूटिंग के समय दिखी। शूटिंग से वक्त निकालकर यह दोनों लॉन्ग वॉक पर जाते थे। इन दोनों के अफेयर के गॉसिप बनने शुरू हो चुके थे, जिस वजह से करीना ने सैफ से शादी करने के लिए घर वालों से बगावत पर उतर आई थी। मगर करीना ने शादी से पहले सैफ के सामने एक शर्त भी रखी थी। करीना ने सैफ को कहा कि मैं एक सेल्फ डिपेंडेंट वुमन की तरह रहना चाहती हूँ, मैं शादी के बाद भी काम करना चाहती थी। करीना ने कहा था कि वो एक पत्नी भी बनेंगी और शादी के बाद एक माँ भी बनेंगी, लेकिन इसके लिए वो कभी भी अपने काम को नहीं छोड़ेंगी। तब जाकर सैफ ने उनकी शर्त मानी थी। बता दें कि करीना से पहले सैफ ने 1991 में अपने से 12 साल बड़ी अमृता सिंह से शादी की थी। दोनों अपने घर वालों के रिएक्शन से डरे हुए थे, इसलिए दोनों ने छिपकर शादी कर ली थी। 13 साल तक एक दूसरे का साथ निभाने के बाद अमृता और सैफ 2004 में अलग हो गए। मगर करीना से शादी से पहले सैफ ने अमृता सिंह को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने लिखा था, तुम अमृता जानती हो ना कि एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है, हमारे बीच बहुत कुछ था। इसके अलावा सैफ ने पुरानी बातों का भी जिक्र किया। करीना ने पहले पढ़ा था, करण के शो में सैफ ने कहा था कि करीना काफी सपोर्टिव थी, यहाँ तक कि करीना ने ही सैफ से अमृता सिंह को पत्र भेजने के लिए कहा था। सैफ ने आगे कहा कि पत्र भेजने के थोड़ी देर बाद बेटी सारा ने मुझे कॉल किया और कहा कि मैं शादी में ऐसे ही आ रही थी, मगर अब मैं पूरे दिल से शामिल होने वाली हूँ। सारा ने भी इस बात का जिक्र करते हुए कहा था कि मेरी माँ ने मुझे खुद अपने हाथों से पिता की दूसरी शादी के दिन तैयार किया था। माँ ने पापा की शादी पर मुझे भेजते हुए कहा था, वहाँ अच्छा समय बिताओ और अपने पिता के लिए वहाँ रहो। भले ही अमृता के साथ करीना की कोई बोलचाल ना हो, लेकिन सारा की अपनी सौतेली माँ के साथ खूब बनती है। वहीं करीना सैफ अपनी हैप्पी मैरिड लाइफ में खुश भी है। खैर, हमारी तरफ से सैफीना को शादी के 7वीं सालगिरह पर ढेर सारी शुभकामनाएं और आप दोनों की जोड़ी ऐसे ही बनी रहे।